Hello, dear students. Today we have the topic binary fusion. What do we mean by binary and what do we mean by fusion? Actually, the meaning of binary is two, and the meaning of fusion is division. का मतलब का मतलब फीजन का मतलब है डिवीज़न और बाइनरी का मतलब है टू यानी कुल मिला अगर बात करें बाइनरी फ्यूजन का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ को दो टुकड़े में डिवाइड करना ही बाइनरी फ्यूजन कहता है डिवीजन ऑफ एनी थिंग इन टू टू इज कॉल्ड बाइनरी फ्यजन और ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन है ओके और ये बाइनरी फ्यजन में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर एक एग्जाम्पल लेते हैं एमिवा का ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे कि एमिवा का न्यूट्रिशन कैसे होता है लेकिन यहाँ पे हम लोग वायरल फिजन में पढ़ने जा रहे हैं एमिवा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है मान लीजिए ये अमिवा है आपको पता है कि अमिवा इरेगुलर शेप होता है इसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता है और ये यूनि सेलुलर होता है यानी कि एक ही सेल से बना हुआ होता है ओके ये यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम है ओके तो ये जो एमिबा है एमिबा के बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है तुमको पता होना चाहिए कि हर एक सेल के अंदर लगभग हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि पूरा का पूरा ये जो सेल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है तो इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है ठीक है ना ये न्यूक्लियस इसको कोऑर्डिनेट करता है न्यूक्लियस के वजह से इसका एक्टिविटी एकदम सही ढंग से हो पाता अगर न्यूक्लियस नहीं रहता तो ये मर जाता तो यहाँ पे ये ब्रेन की तरह काम करता है न्यूक्लियस ओके ये क्या है न्यूक्लियस है और उसके बाद यहाँ पे जो खाली जगह दिख रहे हो डर्ट डर्ट कर दे रहा हूँ मैं तो ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म है ठीक है ना एक्चुअली बात करें तो ये साइटोप्लाज्म क्यों है क्योंकि ये एक सेल है इसलिए हम इसको साइटोप्लाज्म कह रहे साइट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है उसके बाद कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे आप लोग इसके बारे में सेल के बारे में आप नाइन्थ क्लास में बढ़िया से पढ़ लोगे ठीक तो अभी चलते हैं ये जो एमिबा है ये रेगुलर शेप है एक्चुअली ये कैसे बाइनर फ्यूजन होता है यानी कि ये कैसे मल्टीप्लाई होता है कैसे डिवीजन होता है कैसे डिवाइड होता है जब ये अमीबा डिवाइड होना होता है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है ना ज़रूरत से थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो जाएगा बड़ा होने के बाद ये जो बीच में जो न्यूक्लियस देख रहे हो ना ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाएगा यानी कि ये अमीबा ऐसे रहेगा और यहाँ पे जो हम न्यूक्लियस ऐसे दिखे थे ये न्यूक्लियस अभी क्या हो जाएगा दो ग्रुप में यानी कि दो टुकड़े में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा ठीक है ना धीरे धीरे से ऐसे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये इस तरह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये न्यूक्लियस और थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा ठीक है ना अभी नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा न्यूक्लियस दोनों अलग हो जाएंगे ओके okay, न्यूक्लियस अभी अलग होगा ये इ रेगुलर शेप है ये, ये न्यूक्लियस अलग होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ये साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा यानी कि यहाँ पे जो एमवा है इसका यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया ये धीरे धीरे इस तरह इधर सिकुड़ना शुरू करेगा ठीक है ना जो चिपकना शुरू करेगा सिकुड़ना शुरू करेगा ये सिकुड़ते सिकुड़ते क्या हो जाएगा इस तरह दिखने लगेगा ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू हो गया है और यहाँ पे न्यूक्लियस तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है ओके अभी यहाँ पे थोड़ा सा लगा हुआ है और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा यानी कि यहाँ पे एक एमिबा बन जाएंगे और इधर दूसरा एम्यवा बन जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये था पेरेंट्स एमबा पेरेंट्स एमए लेकिन ये पेरेंट्स एम्यवा दो टुकड़े में डिवाइड होके दो भाग में डिवाइड हो के दो डट और बन गए हैं ठीक है ना ये क्या है डट और है ठीक है ना ये एक एह्यवा बना ये एक एमबा बना एक्चुअली इस तरह से भी हो सकता है डिवाइड या फिर ऐसे डिवाइड हो सकता है या फिर ऐसे डिवाइड हो सकता है जिधर मन करे उधर ये डिवाइड हो सकता है तो चलिए एक डायग्राम साफ सुथरा वाला डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे देख रहे हो साफ़ सुथरा वाला डायग्राम यहाँ पे एक एम्आ है ये साइटोप्लाजम है और इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस है ओके उसके बाद ये क्या हुआ धीरे धीरे ये न्यूक्लियस एलोंगेट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा खींचताछ हो रहा है और थोड़ा सा लंबा हो गया उसके बाद यहाँ पे पूरा लंबा हो गया और इसमें बीच में थोड़ा सा कुछ कंट्रैक्शन आ गया है ठीक है ना उसके बाद ये न्यूक्लियस दोनों अलग हो गए ये दोनों क्या है न्यूक्लियस है ठीक है ना उसके बाद ये साइटो धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा डिवाइड होने के बाद एक डटर एमिवा बन गए और इधर दूसरा डटर एमिवा बन गया ठीक है ना और ये किसी भी एंगल से डिवाइड हो सकता है अभी इस एंगल से डिवाइड हुआ है ठीक है ना इस प्लेन से ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता है या ऐसे भी डिवाइड हो सकता है ऐसे भी डिवाइड हो सकता है ठीक है ना अभी सवाल ये उठता है कि क्या ये बाइनरी फीजन सिर्फ एमीबा में ही होता है बिल्कुल नहीं ये प्रोकैरियोट्स में होता है ओके उसके बाद यूनिसेलुलर सॉरी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होता है ठीक है ना तो आगे और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये बाइनरी फ्यूजन और कौन सा कौन सा ऑर्गेनिज्म में होता है बाइनरी फ्यूजन का और एक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन इन लेशमानिया है लेशमानिया इस तरह दिखने में है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से बना हुआ है इसीलिए ये जो काला कलर का जो डॉट दिख रहे हो बीच में ये एक्चुअली न्यूक्लियस है ओके न्यूक्लियस है और ये जो धागे की तरह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे ए गया है एक्चुअली कहलाता है, इसको कहते हैं ठीक है ना इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना हम लोग कैसे ये लेमानिया फीजन होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना तो जब डिवाइड होना होता है तो ये फुली ग्रोथ कर जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा बड़ा होने के बाद सबसे पहले डिवीजन कहाँ होगा सबसे पहले टुकड़ा होना कहां पे शुरू होगा डिवाइड होना एक्चुअली न्यूक्लियस में होना शुरू होगा तो देखो धीरे धीरे यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे न्यूक्लियस बड़ा होता गया उसके बाद यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गया एक दो ठीक है ना ये क्या है न्यूक्लियस है जब ये न्यूक्लियस दो पार्ट हो जाएगा उसके बाद इधर से क्या होगा ये जो साइटोप्लाजम है इसके अंदर जो बॉडी फ्लूड है ये भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा ठीक है ना बॉडी पार्ट धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होगा अभी डिवाइड हो रहा है आधा डिवाइड हुआ उसके बाद धीरे धीरे ये क्या करेगा यहाँ से ऐसे चले जाएगा इतना डिवाइड हो जाएगा उसके बाद ये एक लेशमानिया बन जाएगा और ये एक लेशमानिया बन जाएगा दो लेशमानिया बन गए और एक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो है बाइनरी फ्यूचर इन पारामेशियम। मेशियम ये ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है पारामेशियम, ठीक है ना ये पारामेशियम कैसे डिवाइड होता है देखो सबसे पहला पॉइंट हम बात किए थे कि जो एमिवा है किसी भी प्लान से डिवाइड हो सकता है उसके बाद हम लेषमिया का दिखे हैं लेषमानिया ऐसे था तो ये सिर्फ बीच में से यानी कि लौंगी डिवाइड हो रहा था और ये जो चीज़ दिख रहे हो पारामेशियम ये पारामेशियम है ये ऐसे कट होता है ऐसे डिवाइड होता है या इसको ट्रांसवर्स डिवीज़न कहते हैं ठीक है ना यानी कि ऐसे नहीं होगा ये बीच में से ऐसे होगा तो देखो भी ये न्यूक्लियस ये जो चीज़ें हैं ये यूनिसेलुलर हैं और ये जो दिख रहे हो ये क्या न्यूक्लियस है जो डिवाइड होना होता है तो ये फुली ग्रोथ करेगा उसके बाद ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा ये बात याद रखो ठीक है ना कोई भी डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड होगा न्यूक्लियस डिवाइड होगा मतलब इनका जो जेनेटिक डीएनए क्रोमोसोम जो भी चीज़ें मौजूद है वो दो टुकड़ा में डिवाइड हो जाएगा दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे एलोंगेशन हुआ एलोंगेशन होने के बाद ये क्या हुआ धीरे धीरे न्यूक्लियस एक एक बन गए इधर ठीक है ना उसके बाद ये साइटोप्लाज्मी कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा बीच में कट हो जाएगा और ये है कि डटर पारामेशियम ये दूसरा डटर पारामेशियम बन जाएंगे तो एक तो था लेकिन अभी बाइनरी हो होके दो डटर पारामेशम बन गए तो अभी सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद को डिवाइड करके दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा डटर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे जी बिल्कुल है एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो है प्लाज्मोडियम लेकिन इसी केस में जब एक प्लाज्मोडियम दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा डटर प्लाज्मोडियम को जो प्रोड्यूस करेगा तो इस रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फ्यूजन नहीं कहेंगे इसको हम मल्टीपल फ्यूजन कहेंगे तो इसमें होता क्या है मान लीजिए ये क्या है प्लाज्मोडियम है इसके अंदर बड़ा आसान न्यूक्लियस है और ये इसके ऊपर जो देख रहे हो ये जो कवरिंग इसको हम सिस्ट कहते हैं ओके okay. और ये साइटोप्लाज्म है उसका बॉडी फ्लूड है ये न्यूक्लियस है ओके okay. जब इसको डिवाइड होना होता है तो ये सबसे पहले ग्रोथ कर जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा होने के बाद ये तो सिस्ट है सिस्ट के अंदर बॉडी फ्लूड है उसका साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जाएगा यानी कि डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस ही होता है डिवीजन उसके बाद साइटोप्लाज्म होगा ठीक है ना कई सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इनका बॉडी फ्लुड अटैच हो जाएगा और एक एक प्लाज्मोडियम छोटा छोटा प्लाज्मोडियम बन जाएंगे ठीक है ना डॉटर प्लाज्मोडियम बन जाएगा जब ये डॉटर प्लाज्मोडियम फुली ग्रोथ कर जाएंगे तो उसी टाइम ये जो सिस्ट है ना इसको तोड़ के ये लोग क्या कर जाएंगे बाहर निकल जाएंगे अभी देख रहे हो था तो एक लेकिन बन गए कितना प्लाज्मोडियम ठीक है नहीं तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं मल्टीपल फीजन कहते हैं ठीक है ना